प्रदेश का स्टोरी टाइम। मैं रौनक हूँ। और मैं चंचल। और हम कहानियों की रंगीन दुनिया में रहते हैं। चलो हमारे साथ। माय डियर चिल्ड्रेन, यू मस्ट हैव हर्ड द नेम ऑफ कबीर दास जी। कबीर दास जी का एक फेमस दोहा है, वृक्ष कबहू नहीं फल भके, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। मीन्स दी हैप्पीएस्ट पीपल आर नॉट दोज हु गेट मोर, बट द हैप्पीएस्ट पीपल आर दोज हु गिव मोर। संसार में सब कुछ पा लेने से इंसान बड़ा नहीं होता है। इंसान बड़ा तब होता है जब वो दूसरों की भलाई करता है। सो लेट्स लिसन टू द स्टोरी द इंटेलिजेंट कैंगू। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ फॉरेस्ट। इट हैड ऑल टॉल ट्रीज विद बिग ट्रंक्स एंड ब्यूटिफुल ब्रांचेस एंड फ्लावर्स। और हाँ, इन ट्रीज में डिफरेंट टाइप्स के फ्रूट्स भी थे, इसीलिए इस फॉरेस्ट में खाने की तो कोई कमी नहीं थी। सारे एनिमल्स जी भर कर खाते थे। कमी थी तो बस एक चीज की, और वो थी पीने का पानी। Animals had to cover a long distance to drink water. वैसे तो फॉरेस्ट के पास ही एक रिवर थी, but no one dared to drink water from that river, क्योंकि उस रिवर पर एक जायंट गोरिल्ला का कब्जा था। One day, Kangaroo the kangaroo came to this forest. And the beauty and surroundings of this forest attracted him so much that he decided to stay there for some time. Kangaroo kuch hi dur aage badha tha, tabhi tree par baithe monkey ne usse pucha, "Brother, I have never seen you before. क्या तुम दूसरे फॉरेस्ट से यहाँ आए हो?" कैंगू ने बोला, "Yes brother, I am new to this forest. Would you like to be my friend?" मंकी ने खुश होकर कहा, "हाँ हाँ, क्यों नहीं? चलो मैं तुम्हें अपने बाकी फ्रेंड से भी मिलवाता हूँ." कैंगू और मंकी फॉरेस्ट के और भी एनिमल्स से मिले। They all welcomed Kangaroo and gave him delicious fruits to eat. Kangaroo ne jee bhar ke fruits ko enjoy kiya. After some time, he felt thirsty. Usse pyaas lagi. Jab usne pani manga, to sabhi ek dusre ka muh dekhne lage. Kangaroo asked, "What happened? Why are you all silent?" डरते हुए मंकी ने कहा, "You can get everything easily in this forest except water." "What?" Surprised होकर कैंगू ने पूछा, "क्या यहाँ पानी नहीं है?" "Hey, what do you say? I have just seen a river when I was coming here." Then the monkey said, "You are right friend, river to hai, but ye river to us giant gorilla ke kabze mein hai. When any one of us goes there to drink water, it asks one question. Woh question itna difficult hai कि हम में से कोई भी उसका आंसर नहीं जानता है। इसीलिए जब कोई एनिमल उसके क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाता है, देन इट थ्रोस दैट एनिमल इनटू द रिवर। कैंगू सेड, "ओह, दिस इज द मैटर।
लेट्स गो, मैं भी तो सुनूं क्या क्वेश्चन है वो। किसी तरह से कैंगू ने फॉरेस्ट के एनिमल्स को वहां चलने के लिए राजी किया। कुछ ही दूर जाने पर जैसे ही नदी दिखी, आधे से ज्यादा एनिमल्स तो रास्ते में ही रुक गए। अब बचे कैंगू और मंकी। दोनों धीरे धीरे आगे बढ़े। उधर गोरिल्ला ने जैसे ही टू एनिमल्स को रिवर की ओर आते देखा, इट बिकेम वेरी हैप्पी। इट मंबल्ड, आज तो दो शिकार आ रहे हैं। नदी को सामने देख करके मंकी तो डर से कैंगू के पीछे छिप गया। एज कैंगू अप्रोच्ड द रिवर, द गोरिल्ला शाउटेड, स्टॉप स्टॉप, व्हाई आर यू कमिंग हियर? कैंगू रिप्लाइड, सर आई एम थर्स्टी, I want to drink water. Water? Gorilla zor se hasa. First answer my question, then I would allow you to drink water. Kangaroo said, okay sir, but I have one condition too. I will also ask a question, aur agar aap uska answer nahi de paaye, then you will have to leave the forest. गोरिल्ला मन ही मन मुस्कुराया। ये क्या क्वेश्चन पूछेगा, उससे पहले मैं ही अपने क्वेश्चन में इसको फंसा लूंगा। द गोरिल्ला सेड, ऑल राइट, आई टेक द बेट, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। नाउ बी रेडी एंड आंसर माय क्वेश्चन, टेल मी, ऐसी कौन सी चीज है जिसे विदाउट टच किए हम इजीली होल्ड एंड रिलीज कर सकते हैं? कैंगू वॉज वेरी शार्प एंड विटी। ही इमीडिएटली रिप्लाइड, इट्स आवर ब्रेथ, हमारी सांस, जिसे हम बिना टच किए रोक भी सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं। गोरिल्ला ने इग्नोर करते हुए बोला, ओके ओके, Now it's your turn. Kangaroo said, be ready. अब मैं अपनी रिडल पूछने जा रहा हूँ। थोड़ा सोच समझ के आंसर करना। Now listen. वो कौन सी चीज है जो गॉड से बड़ी और डेमन से पूरी है? गरीब के पास तो है, पर सन्यासी को इसकी जरूरत नहीं। And If you eat it, you will die. Okay? अब आप आराम से इसका जवाब सोचिए। Till then, we all are going to drink water. Gorilla सोच में पड़ जाता है। After thinking for some time, when it didn't get any clue, it gave up and said, "Now I am ready to leave the forest." But please, first tell me the correct answer of this riddle. Kangaroo said, हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर। इसका आंसर है कुछ भी नहीं, means nothing. Gorilla said, ये क्या आंसर हुआ, मुझे समझ नहीं आया. He explained, दुनिया में God से बड़ा कुछ भी नहीं और डीमन से बुरा कुछ भी नहीं, पुअर के पास कुछ भी नहीं होता और मंक यानी सन्यासी को कुछ भी नहीं चाहिए होता। इसी तरह अगर आप कुछ भी नहीं खाओगे तो मर जाओगे। तो हो गया मेरा रिडल का आंसर, कुछ भी नहीं। Everyone started laughing. And they all were admiring the wittiness of Kangaroo. गोरिल्ला अपनी हार मानकर जंगल छोड़ने के इरादे से आगे बढ़ा।
When the gorilla was about to leave the forest, तभी कैंगू उसे रोकता है और उसे माफ करते हुए कहता है, My dear friend, sharing is a great virtue of living beings. We should always share our things and help each other. We all have the equal right to live happily on this earth. So live and to let live. Jiyo aur jeene do.